कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सब तरह की सिद्धि, हर तरह का मनोरथ पूरा करने का अनुष्ठान है नवरात्रि। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों से आशीर्वाद लेने का महोत्सव है नवरात्रि। माता आदिशक्ति से आध्यात्मिक जुड़ाव का पावन त्योहार है नवरात्रि। एक साल में 4 बार आती है नवरात्रि, 2 गुप्त तो 2 प्रकट पूजा होती है नवरात्रि। माघ और आषाढ़ में आती है गुप्त नवरात्रि और चैत्र और अश्विन में रहती है प्रकट नवरात्रि। शेरों वाली मैया की महिमा का अथक गुणगान करने का अवसर है नवरात्रि। तो आइए मेरे साथ मिलकर करें मैया जगत जननी की महिमा का गुणगान। आइए मेरे साथ बताऊं आपको नवरात्रि से जुड़े ऐसे तथ्य जिनके बारे में अब तक आप रहे हैं अनभिज्ञ। जैसे शायद ही आपको पता हो कि नवरात्रि पर घट स्थापना यानी कलश स्थापना क्यों की जाती है, बताऊंगी ये सारी बात। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि साल 2020 यानी 2020 में चैती नवरात्रि की तिथियां कौन कौन सी हैं और चैती नवरात्रि की शुरुआत हो कब रही है। चैती नवरात्र की शुरुआत हो रही है 25 मार्च से, जो चलने वाली है 3 अप्रैल तक। पूरी तिथियां अभी आगे बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताती हूँ नवरात्रों में कलश की स्थापना क्यों की जाती है, इसका महत्व क्या है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा के पहले किनकी पूजा की जाती है पता है? गणपति की पूजा की जाती है। प्रथम पूज्य होते हैं गणेश। कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराणों में मान्यता है, और मान्यता क्या है कि कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसीलिए लोग देवी की पूजा से पहले कलश की पूजा करते हैं। कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराणों में एक मान्यता है जिसमें कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसीलिए देवी की पूजा से पहले कलश की पूजा की जाती है। पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से पहले शुद्ध किया जाता है और फिर पूजा में सभी देवी देवताओं को आह्वान किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाते हैं। इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, दुर्वा जैसी चीजें रखी जाती हैं और कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की पहले वेदी बनाई जाती है और उसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की विधि धन धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए किया जाता है। माँ दुर्गा की तस्वीर या माँ दुर्गा की मूर्ति पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित की जाती है और माँ का श्रृंगार, रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग की वस्तुओं से करते हैं। पूजा स्थल में एक अखंड दीप जलाते हैं जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाना चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद प्रथम पूज्य गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती की जाती है और इसके बाद 9 दिनों तक का व्रत शुरू होता है। माता में अगाध श्रद्धा और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग पूरे 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं, वो भी निर्जला या फिर सिर्फ जल पे रहते हैं या फिर सिर्फ फल खाते हैं, या फिर बहुत लोग होते हैं जो अगर सक्षम नहीं है ऐसा उपवास रखने के लिए तो ये सेंधा नमक अरवा चावल भी खा लेते हैं। नवमी के दिन 9 कन्याओं को, जिन्हें नव दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों के तरह माना जाता है, उनकी श्रद्धा से पूजा की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। चैत्र नवरात्र में लोग लगातार 9 दिनों तक देवी की पूजा और उपवास करते हैं और 10वें दिन कन्या पूजन के पश्चात उपवास खोल लेते हैं। कई जगहों पर ये कन्या पूजन नवमी को ही होता है। देवी दुर्गा की पूजा गुप्त नवरात्रि में भी की जाती है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि 2 नवरात्रियां ऐसी होती हैं जो गुप्त होती हैं, आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहते हैं। हालांकि अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि ये गृहस्थ लोगों के लिए होती नहीं, ये तंत्रकों के लिए होती है। इस वजह से तंत्र साधना और वशीकरण वगैरह में जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये नवरात्रियां होती हैं। तांत्रिक इस दौरान देवी को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना करते हैं, इनके 10 स्वरूपों की आराधना करते हैं। फिलहाल चैती नवरात्र की बात हो रही है तो जो 25 मार्च से शुरू हो रहा है और इस 25 मार्च से शुरू होने वाली नवरात्रि के व्रत जो है वो भी 25 मार्च से शुरू हो जाएंगे और ये 2 अप्रैल तक रखे जाएंगे, यानी कि नवमी 2 अप्रैल को है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के भक्त उनके अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करेंगे, उन्हें प्रसन्न कर मन चाह वरदान पाने की कोशिश करेंगे, आप भी करेंगे। ऐसे में आइए मैं बता दूँ आपको किस दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा करने से पूरी होगी आपकी सभी इच्छाएं। 25 मार्च प्रतिपदा तिथि होगी। नवरात्रि के पहले दिन घट यानी कि कलश की स्थापना होगी और इसके बाद माता के प्रथम स्वरूप यानी कि शैल पुत्री स्वरूप की पूजा होगी।
26 मार्च द्वितीय तिथि पड़ेगी और नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होगी। 27 मार्च तृतीय तिथि होगी, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जानी है। इस दिन 28 मार्च दिन चतुर्थी पड़ेगा उस दिन, और इस दिन नवरात्रि के चौथे दिन माँ के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होगी। 29 मार्च पंचमी तिथि होगी, नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने का विधान है। 30 मार्च षष्ठी तिथि होगी, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। 31 मार्च सप्तमी तिथि होगी, नवरात्रि के सातवें दिन कालरात्रि की पूजा होगी। 1 अप्रैल तिथि अष्टमी की पड़ेगी, नवरात्रि के आठवें दिन माता के भक्त महागौरी की आराधना करते हैं। 2 अप्रैल तिथि नवमी की पड़ेगी, नवरात्रि के नौवें दिन नवमी हवन होगा और कन्या पूजन भी आप इस रोज ही करेंगे। इसके अलावा आखिरी तिथि होगी 3 अप्रैल की दशमी, यानी कि दुर्गा विसर्जन होगी, दुर्गा प्रतिमा का आप विसर्जन करेंगे इस दिन और नवरात्रि का पारण भी इसी दिन होगा। इन 9 दिनों में कुछ ऐसे योग बनने वाले हैं जिन्हें आप चामत्कारिक योग कहेंगे और ये संयोग दुर्लभ हैं। माँ दुर्गा के रूप भले ही अनेकों हों, पर हर रूप वाली माँ दुर्गा अपने भक्तों का कष्ट हरने वाली होती है, उनको समृद्धि देने वाली होती है। माँ दुर्गा के रूप भले ही अनेक हों, पर हर रूप वाली माँ दुर्गा अपने भक्तों का कष्ट हरने वाली होती है, उनको समृद्धि देने वाली होती है। आप भी माता की आराधना कर उनसे अपने लिए खूब सारा आशीर्वाद ये कहते हुए मांग लें। देही सौभाग्यम आरोग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही जयम देही, यशो देही दिशो जही। माता की कृपा आप सभी भक्तों पर बरसे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जय माता दी जरूर लिखे कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है फौरन कर लीजिए, कर रखा है और 5 लोगों को बोले सब्सक्राइब करने को। और अपना ख्याल रखिए, अगली नोटिफिकेशन पर लौटिएगा जरूर, मैं भी लौटूंगी आपके भविष्य से जुड़ी बातें लेकर। नमस्कार।